कुमकुम भाग्य। ने मुझे बोला था वो आपके पास है, कहाँ है वो? मुझे पता है वो कहाँ है। कहाँ है? नीचे। जी क्यों गई है? स्केटिंग करने के लिए तुमने ये सब? मेरे तुम खो खो खेलो, डब्बा गोल खेलो, आइस पाइस खेलो। यू आर सो केयरिंग फादर। मैंने है ना इसलिए। व्हाट? मतलब हम इस होटल में नए नए आए है ना पॉप्स? पॉप्स मेरा नाम अभी है। बस अभी इतना छोटा सा नाम? नाम है कि शॉर्ट फॉर्म? शॉर्ट लोगों के लिए शॉर्ट फॉर्म ही चलता है। और वैसे भी इतने सारे नाम तो तुम दे ही रखी हो। बलून ब्लास्टर, ड्राइवर, डॉल चोर, इसी भी नाम से बुला लेना। इतनी प्यारी है ना वो, ऐसे लगता है सालों से हमारा रिश्ता है। उसे देखकर एक अपनापन सा लगता है। अच्छा, अब तो तुम्हारी फ्रेंड से मिलना पड़ेगा। उन्होंने भी यही कहा था कि अब तो तुम्हारी मम्मी से मिलना ही पड़ेगा। सच बताओ तो मैं सोच रहा हूँ कि वो ऐसी है तो उसकी मामा कैसी होगी। सात साल तक जिस प्रज्ञा से अभी दूर रहा है उस मुसीबत को मैं अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने दूंगी। इस बार ये प्रज्ञा मेरा और अभी का रिश्ता नहीं तोड़ेगी। अभी और प्रज्ञा कभी नहीं मिल सकते। ए, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। ये तो स्कूल है। छिपने का अच्छा जगह है ये स्कूल। इधर पुलिस हम पे गोली भी नहीं चलाएगा। चल अंदर ले। हेलो, क्या प्रिंसिपल भी फोन नहीं उठा रहे? पुलिस को अब तक पता चल गया होगा हम लोग यहाँ हैं, इसलिए सारे स्कूल को घेर लिया होगा। अब उनसे बचने के लिए हमें तुम्हें घेरना होगा। एक्सक्यूज मी, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे अंदर मेरा भतीजा है, मुझे जाने दीजिए ना प्लीज। अंदर जाने अलाउड नहीं है। तो मेरे तो एक काम कीजिए, उन बच्चों को बाहर ले ला सकते हैं? नहीं ना। आप क्यों बहस कर रहे हैं? अंदर कोई चोर उचक्का नहीं, टेररिस्ट है। मेरे तीन गिनने तक अगर तुम लोग नहीं रुके तो मैं सच में गोली मार दूंगा। भाई, वो हेलीकॉप्टर अभी तक नहीं आया। ये प्लानिंग है तेरी? मैं जेल से तो बाहर आ गया, यहाँ इंडिया से कैसे बाहर जाऊंगा? मन करता है कि तुझको गोली मार दूं। भाई भाई, हमने फोन भी किया था, तुझसे बात की मैंने। तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? चुप कर वरना तुझको भी गोली मार दूंगा। बच्चे हैं तो संभाले ने। हाँ मैं शांत कराती हूँ बच्चे, चुप चुप प्लीज, सब चुप हो जाओ। मैंने ऐसे गंदे लोग कभी नहीं देखे। तुमने कुछ कहा? अब पास बैठे हो तो बात कर ली। क्या कर रही हो? यूनिफॉर्म गंदा हो जाएगा। एक तो इन बच्चों ने दिमाग खराब कर रखा है और ऊपर से साला हेलीकॉप्टर नहीं आया अभी तक। ए प्रिंसिपल, अब इन बच्चों की जिम्मेदारी तेरी। अगर एक भी हिला ना तो लाशें बिछा दूंगा, लाशें। एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो बगैर गोली के मर जाएगी। दादा, ए एंग्री बर्ड, पापा आ गए। आप? लेकिन मैं तो दादा को बुलाया था। आप लोग मेरी फिक्र मत करो, चलाओ गोली, ये बचकर नहीं जाना चाहिए। रुक जाओ, मेरे तीन गिनने तक अगर तुम लोग नहीं रुके तो मैं इसे सच में गोली मार दूंगा।
तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। एक तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ भाई, आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। भाई आप बहुत अच्छे हैं। कहीं डोपिंग वोपिंग तो नहीं शुरू कर दी तुमने? नहीं भाई। बात है तो कुछ ऐसी कर रहे हो माय फ्रेंड। मुझे पता था आप मजाक उड़ाओगे, मैं इसलिए डर रहा था। ओके देन, मेरी ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतनी अच्छी लगती है तरुण? भाई मुझे लगता था कि रैप स्टार्स अपनी दुनिया में रहते हैं, आप अपनी दुनिया साथ में लेकर चलते हैं। वो हमारे इंडिया में होता है ना कुछ, जो होली के टाइम पर ठंडी दही में मिलाकर पीते हैं उसे। भांग? भांग के नाम पे बड़ा खुश हो रहे हो? नहीं नहीं भाई। या व्हाटएवर, तो वही पीते हो क्या? बात तो ऐसे ही कर रहे हो। भाई आप कियारा से बहुत प्यार करते हैं, फैमिली को बहुत प्रेफरेंस देते हैं, यू आर अ कंप्लीट मैन, और मुझे ये देखकर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं चाहता हूँ आज पार्टी में तुम अपने फैमिली को भी लेके आओ, मैं तुम्हारी वाइफ को देखना चाहता हूँ। आखिर देखे तो सही वो कौन सी औरत है जो दिन रात तुम्हें झेल रही है। मैं तो अपनी वाइफ को ले आऊँगा, लेकिन काश मेरी वाइफ तुम्हारी वाइफ से मिल पाती। इस एटीट्यूड के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुमसे शादी करेगा। अगर तुम्हें मेरी दोस्ती पे थोड़ा भी भरोसा ना, मुझ पर भरोसा, तो गिव मी अ चांस सम टाइम। मैं प्रूफ कर दूंगा कि पृथ्वी और शलिन के बीच में कुछ चल रहा है। और प्लीज ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुम्हें ये नेकलेस पृथ्वी की कार में से मिला। ओके, जस्ट गिव मी सम टाइम। अच्छा सुन, टिकट के पैसे मौजूद हैं इधर। अबे जाने देना यार, यहाँ से बिना पैसे दिए हुए हम लोग जाएंगे। तो एक काम कर, तू बैठ। क्या कर रहा है? ओए क्या कर क्या रहे तू? मैं बैठना यार। क्या क्या कर रहा है यार? ये तो वही लड़की से इन्होंने मुझ पर कीचड़ उछाला। इनकी तो अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी मुझे। अरे इसे पकड़ो, महक बहुत ही महक। क्या हुआ? नहीं भाई। कौन? कहाँ? दीवारें तुम गिरी कैसे? जैसे अभी अभी सीमेंट से भरी हो। अच्छा भाई, गुंडा भी दीदी कह रहा, कहीं वो दीवार तो नहीं कह रहा था? आकाश ये रानो लिखा है क्या? आकाश लाओ सरिया लाओ। इतने सालों तक इतनी नफरत अपने मन में रखी थी हार्दिक ने उनकी फैमिली के सामने, इतनी साल रोज रोज एम्बैरस होने से तो बेटर है कि मैं खुद को मार डालूं।